morning students, myself Komik from Nambagulukul, Jason Narayan. Today we will continue chapter 10 of science, class 10, light, reflection and refraction. In previous video we have learned about image formation by convex and concave lens. जो रे होती है वो कहाँ से हम एंटर करती है, कहाँ पे जाती है, कैसा बिहेव करती है, कैसा रिफ्रेक्शन दिखाती है, ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. ठीक है, हमने टाइप ऑफ लेंसेज भी लास्ट वीडियो में हमने देखा था और हमने एक केस भी देखा था 2f से दूर. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का अब हम आगे उसको लेंगे. ठीक है, हमने एक केस देखा था, अभी हम दूसरे केस पे आए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा हर बार नाम आएगा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, के बाद में नेचर, बाद में साइज. ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कन्वेक्स लेंस पर. तो छह केस देखे हैं हमने, पहला केस देख लिया है पैरेलल वाला. ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा केस, देखा था हमने लास्ट टाइम 2f से दूर, अब देखेंगे सी के ऊपर. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, सॉरी एट 2f, सी को हम करके रहे कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं. तो चलो हम देखते हैं क्या आप कर सकते हैं. लेंस को इसका पोल
मिला बी यहाँ एस बी एस ओके तो हमारा एंगेज दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एफ नेचर रियल इन्वर्टेड साइज मैग्नीफाइड बराबर है। अब हम देखेंगे अगला केस ओके देखते हैं। अब हम रखेंगे टैब के ऊपर
है, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंकेव के जो दो केसेस है, उसमें से पहला केस हमने पढ़ लिया है कि अगर रे पैरेलल पास करते हैं। ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया है, ये रहा, इधर बताता हूँ मैं आपको कि आपने कहाँ पढ़ा है। ये रहा पहला वाला केस। ठीक है, इसमें आएगा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजिशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ लेंस एट एफ। ठीक है, फिर बात आएगा नेचर, तो नेचर देखो डॉट लाइन मतलब खींचा गया है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज तो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और आपको पॉइंट लाइन भी लिख सकते हैं, पॉइंट जैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कन्वेक्स के केस देख लिए, कंकेव का अभी एक केस बाकी है, वो हम अब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं भी रखू, ठीक है, कहीं भी रखू, इसका ये छोटा वाला मिरर लेंस के इसी पार इधर छोटे वाला लेने वाला है। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ कहीं भी रखू, मैंने अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा छोटा रखा है। ठीक है, छोटे वाला मिलने वाला है, तो छोटू सा। ठीक है, तो पहले वाला कैसे, पहले वाला लेकिन होने वाला है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं। ठीक है, फिर आपको इजी बनेगा समझना। ओके, और ये मैं लेता हूं पोल वाला, अब हमें आगे पढ़ना है साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन मिरर में थी, इधर ये लागू पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, उसमें भी यू वी एफ था, इसमें भी यू वी एफ है। ठीक है, इसमें हमें लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला अलग है, एंड फिर बाद में दो सम्स भी करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे उसका बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज आप यहाँ पे लिख लेना है आपको खाली, कि भाई मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मेरे लेस फॉर्मूला काम आएगा। लेस फॉर्मूला बी
माइनस वन अपॉन यू। आपने देखा होगा कि भाई जो मिरर पर्पस है यहाँ पे उसमें प्लस था, ठीक है। अब है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में है ठीक है, उसमें भी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट था, एक्स डैश अपॉन एक्स इसमें भी है ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, टाइम बराबर है एक्स अपॉन एक्स लेना है। उधर खाली भी अपन यू मिरर में यहाँ माइनस वन आता था, इसमें माइनस नहीं आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं ठीक है, इसके रिलेटेड सम्स जो है वो लेने वाले हैं ठीक है। जो सब चीज़ें थी वो सब उसमें भी लागू पड़ेगी। यू नेगेटिव लेना है, एफ है वो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है, जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन मिरर के सम्स का आपको लिखा था वो इधर भी लागू पड़ने वाला है। खाली फॉर्मूला तो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब एज इट इज है ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई आगे हमें न्यूमेरिकल्स भी गिनने हैं ठीक है, तब तक इसको लिखिए और इसको समझिए। ओके बाय। जय श्री नारायण।